नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को लेकर। बिहार में अगले महीने से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं को लेकर लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। अब जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इंटर व मैट्रिक सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के प्रश्न पत्र 10 सेट में रहेंगे। बताया जा रहा है कि 10 सेट के कोड ए से लेकर जेड तक रहेंगे। परीक्षा के दौरान कॉपियों को OMR उत्तर पत्रकों को प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर पालीवाल आवंटित की जाएगी। सभी विषयों की परीक्षा के लिए सादी कॉपियां व OMR सीट की परीक्षाओं के नाम, रोल कोड, रोल नंबर, आरोही क्रम में परीक्षार्थियों का फोटो, विषय कोड, विषय का नाम, पाली, रजिस्ट्रेशन संख्या एवं परीक्षा की तिथि आदि प्रिंट रहेगी। इसके साथ साथ तिथिवार, पालीवाल अलग अलग पैकिंग में दिया जाएगा। परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षार्थी के विवरण के फोटो युक्त यानी कि डाटा युक्त कॉपियों का प्रयोग किया जाना है। बताया गया है कि इसके अतिरिक्त वैसी अपरिहार्य परिस्थिति में जहां किसी परीक्षार्थी को डाटा युक्त कॉपी परीक्षा केंद्र के किसी कारणवश अगर उपलब्ध नहीं हो, तब उस परिस्थिति में परीक्षार्थियों के प्रश्नोत्तर के लिए डाटा रहित कॉपी दी जाएगी। साथ ही साथ यह भी बात बताई गई है कि उसमें कहा गया है कि अगर किसी छात्र को अतिरिक्त कॉपी नहीं दी जाएगी। यह भी कहा गया कि विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के सभी विषयों के लिए 24 प्रश्नों की कॉपी दी जाएगी, लेकिन गणित के पेपर में एक्स्ट्रा कॉपी दी जाएगी। विज्ञान एवं कला संकाय के गणित के लिए केवल 32 पेज दिए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी छात्र को किसी भी कॉपी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि डाटा युक्त OMR उत्तर उपलब्ध है, लेकिन उस परीक्षार्थी को डाटा युक्त कॉपी उपलब्ध नहीं है, तो समिति द्वारा डाटा रहित कॉपी में से संबंधित परीक्षा केंद्र के डाटा अधीक्षक डाटा रहित कॉपी उपलब्ध कराएंगे। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 की सैद्धांतिक परीक्षाओं के दौरान ऐप से इसकी निगरानी की जाएगी। यह भी कहा गया है कि बोर्ड की ओर से एग्जामिनेशन ऐप की ट्रेनिंग 27 से 28 जनवरी को दी जाएगी। इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से परीक्षा में धांधली की रोकने के साथ साथ अन्य सूचना तुरंत बोर्ड के पास पहुंच जाएगी। इसी मकसद से ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि ऐप को DEO के साथ साथ अन्य अधिकारियों को भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में तथा मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी के बीच में आयोजित की गई है। इससे पहले बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया था कि इंटर की परीक्षा में जूता और मोजा पहनकर छात्र नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाद के समय में बोर्ड ने जो है इसमें बदलाव किया और कहा कि छात्र जूता और मोजा पहनकर परीक्षा दे सकते हैं। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा में एक बार फिर से जूता मोजा पहनकर आने की बात जो है वह कही गई। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को यह भी कहा गया है कि आप जब परीक्षा देने आए तो आप कोविड का टीका जरूर लगवाएं। हालांकि कोविड जिनके पास कोविड का टीका नहीं लगा है उनके लिए बोर्ड ने जो है अलग से बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन बोर्ड का यह कहना है कि छात्र जितनी ज़्यादा संख्या में टीका लगवा कर आएंगे उतना ही अच्छा होगा और वो बोर्ड के लिए आसानी होगी। हालांकि बोर्ड ने जो है स्कूल और अभिभावकों से इस दौरान अपील की है कि आप जो है जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके छात्रों को कोविड का टीका लगवाएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।